आज हम आए रामदेव पशु मेला नागौर, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ बैलों की बहुत अच्छी नस्ल आती है। और ये मेले में त्रिपाल, ये मांचे बनने के लिए जेवड़ी, ये सब चीज़ें किसान लोग यहाँ खरीदने आते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं। काफ़ी पशु प्रदर्शनी है, वो भी देख लेते हैं, साथ साथ में ये भी काम हो जाता है। और ये एक छोटी सी चीज़ जो हमने खरीदी आज, और ये देखिए मेले की आकर्षकता, सजावट, और ये पशुओं का मोरे और सब सामान मिलता हुआ, कुर्ताड़े, बहुत काफ़ी चीज़ें, बैठने की, ऊंट पे बैठने की सीटें, चैने, काफ़ी चीज़ें जो कि मिल रही है। सब नागौर आ सकते हो, मेला देख सकते हो, बहुत ही देखने में आकर्षक मेला है। और बहुत अच्छे अच्छे पशु आए हैं जो देख सकते हैं, ये पशु के गले और में लगाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, रस्सियाँ, काफ़ी चीज़ें जो कि आप इधर आ सकते हो, देख सकते हो, खरीद सकते हो। और ये स्थान जहाँ रात के वक्त पशु प्रदर्शनी लगती है, जो भी पशु को अपना टैलेंट इधर आके दिखाते हैं, जैसे घोड़ियाँ नाचती है, ऊँट अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वो सब प्रोग्राम रात के टाइम होता है इधर मेले की जगह, मुख्य जगह। और ये कुछ हमारे जान पहचान वाले मिलने आए हमसे बात करने के लिए, ये सब मिलने आए हैं, ये भी पशु अश्व प्रेमी, पशु प्रेमी सब है, ये सब घोड़ा और सब पशु खरीदने बेचने आए हैं। कुछ मेले के स्थान हाईवे के ये साइड है और कुछ इस साइड है, दोनों साइड। इधर ऊँटों का मेला है और इस साइड बैल, गाय, ये सब। और ये व्यापारी सौदा हो गए इनका, वापस अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आप देख सकते हो, ऊँट ही ऊँट खड़े हैं। देखो कई नस्ल के, कई प्रकार के घोड़े आए हुए हैं, अलग अलग व्यापारी लेन देन कर रहे हैं, नुकरे, मारवाड़ी, सारी ये चंबी नस्ल, सब प्रकार के घोड़े आए हुए हैं, बहुत ही संख्या में आए हुए हैं। ये देखिए खूबसूरती, ये मजू की लाइन का घोड़ा, क्या सुंदर देख रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसकी लाइन देखिए, इसकी हाइट देखिए, क्या सुंदर कान है इसके, जिनकी खूबसूरती को आप देख सकते हो, क्या सुंदर है उनकी खूबसूरती, उनके चाल चलने का तरीका और सब कुछ। पेड़ों के नीचे जगह जगह पर बैठे हैं और व्यापारी के बीच बातचीत चल रही है लेन देन की। यहाँ पर पशुओं में ऊँट भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, बीकानेर से, चूरू जिले से, नागौर जिले से, बहुत जगह से ऊँट और ये भैंसे
मेले की शुरुआत के साथ धीरे धीरे दुकानें बढ़ रही है, काफ़ी साजो सामान मिल रहा है। पशु प्रेमी पूरे भारत से यहाँ आते हैं और ये नागौर मेले में दुकानें लगी है और ये सजावट का सामान, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, लकड़ी पे वर्क किया हुआ है, तो आपके देख सकते हो आप, बहुत ही सस्ता और अच्छा सामान। आप भी आ सकते हो यहाँ विजिट के लिए दोस्तों। ये बांस की लकड़ियाँ कारीगर खुद हाथ से काम करके इनको तैयार कर रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिख रही है। काफ़ी तादाद में दुकानें लगी हुई है और व्यापारी एक दूसरे आ रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, कारीगर अपने हाथों से अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लकड़ियाँ बना रहे हैं। और ये टोलिये में खूब आ रहे हैं मेले में, मेले में पशुओं की आवक ज़बरदस्त बढ़ रही है। ये सब अपने घरों से मेले के लिए आए हैं तो कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे। और इस ऊँट को देखिए, कितना विशाल, कितना ऊंचा कद काटी इसकी, कितना अच्छा इसका ध्यान रखा है। बहुत सारी घोड़ियाँ भी आई है, मारवाड़ी नस्ल की घोड़ियाँ आई हुई है, देख सकते हो आप कितना अच्छा, कितनी सुंदर पशु आए हुए हैं। ये मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी और ये मारवाड़ी नस्ल का छोटा सा बच्चा, करीब 8-10 महीने उम्र है इसकी। कितना अच्छा पट्टा ब्लेज देख सकते हो, कितना सुंदर। और ये बिना नस्ल के घोड़े भी आए हुए हैं, छोटे छोटी हाइट के। ये वैसे भी आपको खरीदना हो तो काफ़ी अवेलेबल है। बोझा ढोने वाले पोनी खच्चर, ये भी काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, बहुत संख्या में घोड़े आए हुए हैं। व्यापारी यूपी बिहार काफ़ी जगह से आए हुए हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा मेला है इस बार। ये घोड़ा है अति सुंदर का पोता, डेनमार्क इसका नाम है, लोका का है। और ये अपनी क्वालिटी दिखा रहा है, लोका। किसी भाई को अपनी घोड़ी सुबर करवानी तो नौकर से